फिरोजपुर में दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसमें दहेज ना मिलने पर पति व ससुराल वालों ने मिलकर महिला से मारपीट की तथा बचाव करने आए महिला के मायके पक्ष वालों को भी मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रंजना नामक युवती की शादी फिरोजपुर के गांव चंगाली कदीन निवासी सुखजिंदर सिंह के साथ हुई थी, लेकिन शादी के 2 साल बाद ही ससुराल में दहेज को लेकर रंजना के साथ मारपीट होने लगी, जिसको लेकर कई बार पुलिस में शिकायत भी दी गई तथा पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन रंजना लगातार मारपीट का शिकार होती रही। कुछ दिन पहले जब रंजना के मायके वाले उसके घर आए तो रंजना का पति और ससुर उसे पीट रहे थे, जिसके बाद उन्होंने मायके पक्ष के लोगों पर भी हमला करके घायल कर दिया, जिनको बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हां दे पहले भी 2 ब्याह होए सी, ओह भी इन्हां ने एवें कुड़ियां मारकुट करके घरों कढ दिंदे ने, मुड़ के तलाक दे दिंदे ने। मैनूं भी इन्हां 2 साल हो गए इन्हां घरे, ते मेरे मम्मी पापा राणी इन्हां नूं 10 लाख दा चैक दित्ता सी, ते इन्हां ने बीत गई 1 महीना नहीं पिया, इन्हां ने मैनूं कुटमार करनी शुरू कर दित्ती। कहिंदे भी तेरे मम्मी पापा राणी सानूं नकली चैक दित्ता है, ते जबकि पापा हरे कहिंदे सी वी असीं तुहानूं सारी पेमेंट दांगे, पर इन्हां ने पैसे दे मरे मैनूं कुट्ट मारन लग पे। तो मैनू छे महीने भी नहीं होए सी ब्याई नूं, इन्हां ने मैनूं कुट्ट मार करनी शुरू कर दित्ती, ते मैं 6 महीने बाद फिर पंचायत मेरी बैठी, ते मैनूं फिर राजीनामा करके लै गए। उदों मास्टर बूटा राम दी पंचायत बैठी सी मेरी, तो उदों मैनूं राजीनामा करके लै गए, ते उदों बाद फिर 3 महीने पए। 3 महीने बाद फिर इन्हां ने मंग करनी शुरू कर दी भी सानूं कुछ स्कूटरी दवाओ। पापा ने स्कूटरी भी दे दी, LCD भी दे दी, AC भी दे दिता। फिर कहिंदे भी सानूं 3 लाख रुपया चाहिए। उदों मेरे निक्के भरा का विआह सी, उदों इन्हां ने फिर 3 लाख रुपया भी दे दिता। उस तो बाद फिर इन्हां ने मैनूं उवें कुटमार करके फिर इतने छुट गए। ये फिर मैं 4 महीने लगातार इतने फिर रही, तो फिर 4 महीने बाद हूँ मेरा वूमेन सैल ने राजीनामा करके, वूमेन सैल तो मैं हाले 15 दिन होए से मैनू गई नूं, उत्थे इन्हां ने जांदे फिर मैनू कुटमार करनी शुरू कर दिती। कल ने मम्मी पापा हरी मेरे उत्थे रोड़ी लैके आए भी साडा राजीनामा होकर बच्चा गया, चलो मिल आवांगे। इन्हां ने मेरा जाके फोन तोड़ दिता, फोन तो LCD तोड़ दिती भी इहनूं ना कोई मिलन आएगा ते ना कोई किसी नूं पता होएगा की है। तो यह मैनू अचानक ही कहें भी असी रोड़ी लैके चल जाने नाले कुड़ी नूं मिल आवांगे, ये मैनू मिलन आ गए। तो इन्हां रोड़ी रोड़ी दे के तो मैं इन्हों घरों भी चले गए आराम नाल, घर कोई भी घर का मैंबर नहीं हैगा सी, ये जो चले गए। उस तो बाद मेरे हसबेंड घर आए, घर आ के मैनू कह लग गए भी ये साढ़े घर की लैन आए सके, लै ये कोई रोड़ी तेन दे गए ने, रोड़ी के तेरे भरा तो गड्डिया मिली सारे दोवों, सानू की मिले जरा रोड़ी दे गए ने, कुछ तो दे के जाते। होर जो ये घर पहुँचे मैनू मारकुट करते पे, इन्होंने छड़ाने की कोशिश की, तो वो सारे जने इन्हों के गल पै के सारियां मारन कुटन लग पे। तो इन्हों बड़ी मुश्किल न पिंड वाल बदौलत छड़वाया गया सारू, फिर इन्हों बाहर कटिया गया, तो यह फिर इन्हों सिविल हॉस्पिटल सू सारू इतने दाखिल कराया गया पिंड वाल ने। मारपीट में दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए तथा सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर रंजना के पति व ससुर ने सभी आरोपों को नकार दिया है। 15-20 दिन गई नूं अजे होए आ, उस तो बाद कोई रोला नहीं हैगा इन्हां दा, कोई अहीं दाज की मंग नहीं, कोई मारकुट नहीं, कि कुड़ी नूं मारकुट की होवे कोई निशान तो होना चाहिए ना कुड़ी दे, जां वूमन सैल पता ही है कि निशान नहीं, कोई गल नहीं, बात नहीं इन्हां दे। इह बाद दे विच कुड़ियां लोहड़ी देण दे बहाने गए ने, कुड़ी नूं मैं मोबाइल आदि नहीं रखना, मोबाइल चोरी मोबाइल दे के आए ने जाके। उस तो बाद मैं घर नहीं हैगा सर, घर आया तो बाद विच मगर ही आ गए ने मेरे, जदों कुड़ी ने फोन करता भी वो घर आ गया, आ जाओ। पहला सस ते सहुरा गए ने, नाल ही इन्हां दे बंदे ने 14-15 जने, जांदे ही गलों गली हो गए ने। सरपंच साढ़े पिंड दा जिहड़ा विरसा सिंह वह भी घरे आ, ते मैंबर है सुरिंदर सिंह वह भी घरे, पिंड दे मोहतवर बंदे महिंदर सिंह वह भी घरे ने, सारे घरे बैठे हुए सी, कोई गल नहीं बात नहीं हुई। ये जांदे गली पै गए आ, आंदे तू तेनों ही सुधार लैने किवें सुधारी दा ये ते वो, आंदे तू कुड़ी नूं मारे, मैं कुड़ी नूं तुसीं वेख लो जे इक चपेड़ भी कुड़ी नूं वज्जी ते फिर दसो। इस मामले में DSP भुपिंदर सिंह बुल्लर ने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंजना लड़की है, लड़ी नाम का मुंडा है, उन्होंने शादी हुई थी 2 साल पहले, आपस में इन्हें अनबन रही थी, 2 दिन पहले आपस में इन्हों की लोहड़ी के संबंध में लोहड़ी देने आए थे, तो उत्थे जो पता लगा साड़ी जी लड़की की मार कटाई करते हैं, तो उत्थे इन्हां दे आपस विच बोल कबोल होने तो बाद लड़ाई झगड़ा है, जिते दोनों पार्टियां दे सट्टां वज्जियां, दोनों पार्टियां दाखल सी, जिते असी संजीव कुमार दे बयान ते जिहड़ा मुकदमा जिहड़ा है दोनों पार्टियां दे खिलाफ क्रॉस केस मुकदमा दर्ज कर दित्ता।